नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से केरकर तोरणकर साइकेट्री होम में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपसे OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक केस मेरे पास आया था और वो सक्सेसफुली ट्रीट हुआ है। वो जो लड़की थी वो पूरी तरह उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये बीमारी में से पूरी तरह बाहर आ चुकी है और ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है, उसका क्या उसके लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिखाया था। काफ़ी लोगों ने उसे अच्छा भी बोला है, अच्छे कमेंट्स दिए हैं, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, तो इसलिए आज मैं उसके बारे में एक केस आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ महीनों पहले मेरे OPD में एक लड़की अपने बहन और जीजाजी के साथ आई थी। देखते से ही वो काफ़ी एंग्शियस थी, रेस्टलेस थी और उसकी बहन ने आते से ही एकदम से शुरू कर दिया, देखिए ना डॉक्टर ये कैसे अजीब सी हरकतें कर रही है और हमें समझ नहीं आ रहा इसे क्या हो गया है, और एकदम से बोलने लगी। मैंने उनको शांत किया और बैठाया और फिर वो लड़की से बात करना शुरू किया। वो लड़की ने फिर मुझे सब कुछ डिटेल्स में हिस्ट्री दिया। जैसे कि वो लड़की एक 23-24 साल की थी, एक छोटे से गांव से आई थी। वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रही थी लेकिन कुछ कारणवश वो क्वालिफाई नहीं हो रही थी, कंटिन्यूस उसको फेलियर्स मिल रहे थे और वो काफ़ी टेंशन में थी। इसलिए उसकी बहन वहाँ से उठा के यहाँ लेके आई ताकि थोड़ा सा माहौल चेंज हो और उसका थोड़ा सा मन बहल जाए, उसका स्ट्रेस कम हो जाए। यहाँ आने के बाद वो 3-4 दिन बहुत अच्छी थी और फिर एकदम से उसको दिमाग में विचार आने शुरू हो गए कि कैसा होगा आगे जाके, कैसा मैं सब करूँगी, यानी जो वरिंग रहता है वो शुरू हो गया, कहीं मैं और वापस फेल हो गई तो, ऐसे कुछ विचार उसको आने लग गए। उसके बहन का बेटा था जिसके साथ वो खेलती थी, एक दिन उसने लिया और अचानक से उसके दिमाग में थॉट आया कि अगर ये मेरे हाथ से गिर गया तो, और वो थॉट इतना डिस्टर्बिंग था उसके लिए कि उसको इतनी घबराहट शुरू हुई और वो थॉट को समझ ही नहीं पाई कि ऐसा थॉट मुझे क्यों आया, और बार बार वो थॉट उसको आने लगा। फिर कुछ देर बाद उसको ये थॉट आया कि कहीं मैंने उसे फेंक दिया तो, या उसको कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो, और ये थॉट फिर उसके दिमाग में आने लग गए। वो ऑलमोस्ट दोपहर से रात हो गई लेकिन वो थॉट उसके दिमाग से गया नहीं। फिर घबराहट शुरू हुई और वो थॉट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो थॉट कंट्रोल नहीं हुआ। वो सो गई, उसे नींद आ गई और फिर सुबह उठने के बाद वापस वो शुरू हुआ। 3-4 दिनों बाद वो इतनी डिस्ट्रेस हो गई और फिर उसकी वजह से उसका नींद कम हो गया। फिर उसको वो गिल्ट आने लगा उस चीज़ का कि ये मैं कैसे सोच सकती हूँ, मेरे बहन का बेटा है और मेरा भी वो कुछ लगता है और मैं इस छोटे से बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। और वो गिल्ट उसको इतनी तकलीफ़ देने लग गया, उसको बहुत रोना आ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, वो किससे बात नहीं कर रही थी घर में। और फिर कुछ दिनों बाद उसको फिर और उसकी तीव्रता बढ़ने लगी, उसने खाना कम कर दिया, उसको नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। उसके बहन के जो घर में जो लोग थे, बहन के घर में, उनको ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है। वो बच्चे को भी हाथ में नहीं ले रही थी, उसे भी दूर दूर रहना चाहती थी। तो फिर कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में आया कि अगर मेरे को ये थॉट आ रहा है मुझे, तो अगर मैं भगवान का नाम लूँ, भगवान से माफ़ी मांगूँ तो शायद मेरा ये थॉट निकल जाए। और वो कंटिन्यूस भगवान का नाम लेने लग गई, भगवान से माफ़ी मांगने लग गई मन में, और वो कंटिन्यू शुरू रहने लगा। उसके बाद वो थॉट स्टॉप करने के लिए वो भगवान, उसको ऐसा लगा कि अगर मैं भगवान के पैर पड़ूँ तो शायद मेरा ये थॉट बंद हो जाए, मेरे से वो गलती हो रही है वो ना हो, और वो भगवान के पैर पड़ने लग गई, जाके भगवान के मंदिर के सामने खड़े होके 10-10 बार पैर पड़ना, और वो कंटिन्यूस वो करते रहना, वो समाधान होने तक करते रहना, यानी जब तक उसको तसल्ली ना हो कि नहीं मैं अभी कर चुकी हूँ और शायद भगवान मुझे माफ़ कर देगा।
फिर भी वो जब तक उसके समाधान नहीं होता था मन का, तब तक वो करती रहती थी। ये सब अजीब सा घर में देख के वो सब लोग एकदम से परेशान हो गए, उसके रिलेटिव्स, कि क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही है। और वो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था अगर मैंने ये घर में बता दिया तो बहन क्या सोचेगी, जीजा जी क्या सोचेंगे, घर के लोग क्या सोचेंगे कि इसे क्या हो रहा है, और मैं ऐसा बच्चे के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। इसलिए वो बता भी नहीं पा रही थी किसी को, और उसको बहुत वो डिस्ट्रेस में हो गई थी। आखिर में कुछ दिन ऐसे ही बीते, ऑलमोस्ट 15-20 डेज, और बाद में उसने फिर बहन को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। बहन ने उसे टालने की कोशिश की कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं कंट्रोल पा रही कर पा रही थी, और वो बहन भी उसके सब तकलीफ देख के आखिर में वो मेरे पास लेके आए। वो लड़की से मैंने ये पूरी हिस्ट्री ली, उसे सब समझा मुझे कि क्या एक्चुअली उसको प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैंने उन तीनों को, वो खुद लड़की, उसकी बहन और उसके जीजा जी, उनको मैंने ये समझाया कि ये ओसीडी का प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें अलग अलग प्रकार का ओसीडी होता है, ये इसमें ये जो प्रकार है इसमें उसको सिर्फ थॉट आता है, और वो थॉट उसको कंटिन्यूस आता है, और वो परेशान कर रहा है, और उसके साथ साथ फिर थॉट आने की वजह से वो भगवान से माफ़ी मांग रही है, फिर भगवान से माफ़ी मांग रही, वो एक्शन में जा रही है। तो इसलिए वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसका पूरा इलाज है, वो कोई मेंटल पेशेंट नहीं है। उसकी बहन को ऐसा लग रहा था कि अब ये पागल हो गई है, अब ये पूरी ज़िंदगी से उड़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको समझाया कि आप ठीक से अगर ट्रीटमेंट लोगे तो इससे वो पूरी तरह अच्छी होगी। उसने ट्रीटमेंट शुरू किया, मैंने उसको एंटी डिप्रेसेंट दिए, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दी, उसको नींद नहीं आ रही थी, भूख नहीं लग रही थी, उसके लिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, और ऑलमोस्ट 15-20 डेज में उसने रिपोर्ट किया कि मुझे 50% अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मेडिसिन जैसे उसकी ज़रूरत थी उसके बढ़ाई, एडजस्ट की, और ऑलमोस्ट उसको 4 मंथ्स में पूरी वो रिकवरी बोल रही थी कि मुझे अभी कोई थॉट नहीं आता है, एंड आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। फिर हमने कुछ मेंटेनेंस, अभी वो मेंटेनेंस पे है, हम धीरे धीरे मेडिसिन कम कर रहे हैं। उसके साथ मैंने काउंसलिंग शुरू किया, वो थॉट्स को कैसे रोकना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको डाइवर्ट करना है, इसके लिए कुछ थेरेपीज दी। उस पर हिप्नोथेरेपी भी बहुत अच्छी यूज़ हुई, रिलैक्सेशन थेरेपी भी अच्छी यूज़ हुई। उससे उसने वो निगेटिव थाट्स को कैसे निकालना है, रिलैक्स होके कुछ सजेशंस कैसे देने हैं, वो मैंने उसको सिखाया, और वो घर पे करने लगी उसकी प्रैक्टिस, और उसके वजह से हिप्नोथेरेपी भी उसके इसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ हुई। तो ये थी पूरा ओसीडी के बारे में जानकारी, ओसीडी की केस के हिसाब से मैंने आपको जानकारी दी। मेरा उद्देश्य इन वीडियो के माध्यम से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में सही जानकारी पहुँचे, जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो। आपके आजू बाजू में, आपके घर में अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स है लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, या फिर साइकेट्रिस्ट से मिलने से कतराते हैं, तो ज़रूर आप उनको एनकरेज कीजिए, उनके साथ जाइए, ताकि उन्हें डर ना लगे और ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो सकता है। जनरली मैक्सिमम साइकेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन डर के वजह से ही लोग जाते नहीं हैं। तो इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन सभी मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।